सो मैं रेडी होकर बैठ गई थी और फिर मुझे फोन आ गया कि उनको कुछ तो काम आ गया है, सो हम नहीं जा पाए. सो एनी विच वेज आई ठीक है. सो मैंने एन किया था एन फॉर नाचोस से. एन के बाद आता है ओ ओ ओ. सो ओ फॉर ओरियो. ओ फॉर ओरियो. दिस इज चॉकलेट ओरियो. ओके सो इट्स पी पी फॉर पॉपकॉर्न. दिस इज अगेन अ होममेड पॉपकॉर्न गाइस. जो पिछले वीडियो में मैं कुछ ज्यादा होममेड फ्राइज के चर्चे कर रही थी, अब ये होममेड पॉपकॉर्न है. प्लेन सॉल्टी. ओके इट्स व्हाट व्हाट इट्स ओ पी. नाउ इट्स स्टैंड फॉर क्यू. क्यों मुझे क्यों नहीं मिल रहा था? क्यों मुझे क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि क्यू से क्वेकर ओट्स बहुत टाइम के बाद में मिला है गाइस. गूगल बाबा ने मेरी हेल्प की, बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने मेरी हेल्प की, फिर जाके मुझे ये क्यू से क्वेकर ओट्स मिला है. एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टेस्ट बिकॉज मैंने कभी खाया नहीं है यार. अच्छा ठीक है, ये ना एक्चुअली कुक करके खाते, बट ऐसे आप देख रहे होगे सुबह से मैं कितना ज़्यादा कुक कर रही हूँ. पहले वो फ्रेंच फ्राइज, फिर ये पॉपकॉर्न. सो आई फील मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी गाइस. मैं नहीं खाने वाली हूँ इसको कुक करके, मेरे में शक्ति नहीं है. और अच्छा गाइस, मैं साइड बाय साइड एक मेरी अलग वीडियो के लिए भी आई एम फिल्मिंग नेक्स्ट व्लॉग के लिए, सो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ. ठीक है, इट डजेंट मेक मी आलसी और समथिंग. ओके सो आई डोंट नो हाउ इट इज गोना टेस्ट. ठीक है ना. ओके इट्स मसाला ओट्स. ओट्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया है पका कर भी, और अब मैं ये सूखा खाने वाली हूँ. नॉट बैड, इट्स गुड. इट्स गुड, इट्स यम्मी. आई गेस मैं इसको खाना स्टार्ट करने वाली हूँ. यस सो इट्स क्यू आर. सो दिस इज रीजंस. ओके एंड आई हैव अनदर स्वीट another sweet item for letter S. It's what? Guess it. Guess it, guys. It's S for. Can you see this? No. Now. Can you see this? No. Okay, any which ways. It's S for sugar. S se bhi I feel love. मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया ऐसे सोचने के लिए, बिकॉज मेरे दिमाग में दो चीज़ें थी, एक था सॉल्ट एक था शुगर. तो आई फेल के ये मसाला क्वेकर ओट्स खाने के बाद में सॉल्ट और नहीं खा सकते हैं, सो आई हैव चूज़न दिस शुगर. आई एम डन विद एस. नाउ इट्स टी. एस TUBWXYZ. Sit back and relax, have popcorn and watch me on my channel. So I am going to get something with letter TUV. Till then, stay tuned. Bye bye. So it's turn for letter T and for T. जो evening snacks आपको सबको पता होगा TJ में क्या choose करने वाली हूँ. हा हा हा. So it's time for tea, guys. Huh, dude, it's 15 minutes and मैंने setup नहीं complete किया because madam ने पूरा खराब कर दिया था मेरा setup. And which way is मेरी चाय हो गई है ठंडी. So tea for tea, I'm going to have tea right now. ठंडी चाय यार कैसे पी सकता है कोई. Okay.
सो आई फील टी के बाद क्या आता है गाइस, यू, यू विच यू, इट्स यूबेनिका बिस्किट्स. सो आई एम गोइंग टू हैव इट यूबेनिके बिस्किट्स. इट्स कुकी बेसिकली, नॉट बिस्किट, इट्स कुकी. सो यम एम विथ नट्स, गुड. ओके, नट स्टोन फॉर लेटो लेट अम वी गाइस. वी फॉर क्या होता है मुझे बताओ, लाइक वी फॉर विनेगर भी होता है, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेयर, इट्स नॉट गुड फॉर थ्रोट. सो आई हैव एप्पल साइडर विनेगर, बट देन मैंने वो यूज नहीं किया बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे सजेशन आए हैं पार्ट वन करने के बाद कि आप ना फूड मिक्स मत करो और एल्स आपको क्या पता कौन से फूड की वजह से एलर्जी हो जाएगी. आई एम सो थैंकफुल आई हैव दीज काइंड ऑफ पीपल ऑल अराउंड मी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. बट जो मैं कर रही हूँ वो आपके लिए ही कर रही हूँ गाइज, सो दैट आप एंटरटेन हो सको. एंड हाँ प्लीज, अगर आप किसी भी चीज़ों से एलर्जिक हो तो प्लीज डोंट डू इट, डोंट ट्राई दिस एट होम. लाइक ये खतरों के खिलाड़ी वाला नहीं है, बट देन स्टिल बिकॉज वो दैट वन मिक्सचर ऑफ ग्रीन चिली एंड हाजमोला इज नॉट गुड, एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो डोंट ट्राई इट. सो इट्स डन फॉर वी. एंड गाइज वी फॉर इफ यू आर अ मुंबईकर, इफ यू आर अ मुंबईकर यू कैन रिलेट टू मी. You have to relate to me, guys. Because V for don't tell me इसको English में क्या बोलते हैं, कुछ नया सा word लेकर आ जाओ. Because I don't literally know कि इसको English में क्या बोलते हैं. But मुंबई में रह के आप अगर V से ये नहीं खाओगे तो फिर क्या खाओगे? You have 5 seconds. If you know what I am going to eat right now, comment it right now. That's 1, 2, 3, 4, 5. Your time's up. I am going to eat vada pav. Vada pav guys, vada pav. Like vada pav ko koi kaise V se bol sakta hai guys? Wait, oh yes, vada pav V se hi hota hai na. And kisi ko agar iska English version pata hai to please let me know in the comment section. Any which ways I am going to have it. Huh. Okay, I'm done with letter V. बाद में खाऊंगी मैं. एनी विच वेज उसको मैं अभी पूरा आपके सामने नहीं खा सकती हूँ ना गाइस, नहीं तो फिर बोलोगे फर्स्ट वीडियो की तरह ये भी वीडियो बहुत लंबी हो गई. सो आई फील इट्स यू, वी इज डन, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फोर लेटर इन इट. 8:30 हो रहा होगा गाइस, इससे ज्यादा क्या होगा. नो इट्स 8:57. ओ माई गॉड, इट्स 8:57 राइट नाउ. एंड मेरे पास अभी 4 चीजें लेफ्ट है, तो आई फील लाइक 12 o'clock के तो पहले हो ही जाने वाला है. एंड मोस्टली कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी एज प्रोमिस्ड. सो यार सी यू, टेक केयर. एंड या लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो. आप लोग यार डीएम्स वीएम्स कर देते हो, मैसेज कर देते हो, ये पार्ट अच्छा था, ये सजेशन ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट कॉमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो गाइज. क्यों नहीं बताते हो यार, क्यों क्यों क्यों? प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ क्या वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए. एनीवेज बिकॉज़ आई हैव प्लान्ड सो मेनी थिंग्स, बट स्टिल आप सजेस्ट करोगे यार वो मेरे प्लान्ड वाले वीडियो से ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आई विल डू दैट. सो यस, कीप वॉचिंग 4 चीजें और बाकी, एंड देन आई एम डन, द टास्क इज अबाउट टू कंप्लीट. स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय. It's the next morning, obviously, because 24 hours ka challenge hai, so I wanted to do it for 24 hours. And it's 9 o'clock. So I just took shower. As you can see, my hair is all gille. So yes. So, W. Presenting W, guys. This is... W for water. I wanted to keep it very simple, so W for water. Yes,
then with W I'll finish this very quick because 1 hour hi hai mere paas and I feel like ho jayega utne mein to yaar. So I am done with WW for water. W ke baad kya aata hai? X. X ek aisi cheez hai jo aap na dhoondo to kuch zyada better hai. Aur maine dhoondi use. Aur mujhe nahi mil rahi thi. Nahi mil rahi thi, I was very happy. But then end mein mil gayi. So presenting X, my X is this. Now you'll say this is momos, this is X for momos. Yes, this is X for momos because this is what man, Chinese or something. I'll correct it somewhere right here or wherever, kidhar bhi to, because I feel like I am going to pronounce it very wrong. It's Zion being log or something. Okay, so what I will do is main yahan pe kahin pe to isko likh dungi jo ise bolte hain. Actually India mein ise momos bolte hain, but yes it is kaun se dish hoti hai guys, momos aapko pata hai na. Good, so yes, to isko jo bhi bolte hain, hame kya hai, hame to khane se matlab hai. So yes, X for young bao long something like that. Yeah, so this is actual Indian momos. अगर सुबह सुबह मोमोज कौन खाता है गाइस, मैं खाती हूँ. ठीक है, डन विद मोमोज, सॉरी डन विद जियांग बोंग. नाउ इट्स एक्स इज डन, एक्स इज डन गाइस, एक्स इज डन. एक्स वाई, वाई इट्स वेरी सिंपल. सो वाई फॉर योगर्ट, वाई फॉर योगर्ट. अच्छा, ये योगर्ट में जेड का भी मिक्सचर है. जेड से गाइस कुछ नहीं मिल रहा था, लिटरली ट्रस्ट मी, जेड से कुछ भी नहीं मिल रहा था. लेट मी नो इफ यू नो एनीथिंग विच स्टार्ट विद जेड और जो बहुत इजीली मिल जाए. दिस इज अ वेजिटेबल बट हम यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, एंड इसका रियल नेम इज जुकीनी. इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, जुकीनी इज दिस, दिस इज जुकीनी. देन आई केम टू नो कि जुकीनी को बोलते हैं तुरोई. तुरोई गाइस, तुरोई. आप पता नहीं क्या बोलते होगे, बट आई फील आपको समझ में आ गया ये क्या है. सो ये वाई, ओके वाई, वाई, दिस इज वाई एंड जेड का मिक्सचर गाइस. सो आई एम गोइंग टू हैव वाई एंड जेड का मिक्सचर. नॉट गुड, एज इन नॉट गुड. Alphabetical orders, food. What the hell? So I am done with, I ate food only in alphabetical order. Yes. So I'm done with the task. Hope you guys like it. If you like it, please hit the like button down here. Do not forget to subscribe to my channel, guys. One more thing. आप पीपल जो अभी भी बोल रहे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये आप ऐसे करो, ये आप ऐसे करो, वैसे करो, आई अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट द सजेशंस एंड एवरीथिंग जो आप बोल रहे हो, बट प्लीज गाइज अंडरस्टैंड दिस, यूट्यूब इज न्यू फॉर मी एंड देयर आर थिंग्स जो अभी मुझे नहीं पता है मे बी, और आई एम स्टिल लर्निंग थिंग्स, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर थिंग्स जिससे मेरे को कुछ कुछ आइडियाज मिल जाए. सो प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग, प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी. एंड गाइज प्लीज जो आप मुझे सजेशन देते हो, प्लीज ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब इसका कॉमेंट सेक्शन है राइट बिलो. ठीक है, सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कमेंट देयर गाइज. ओके, दैट एक्चुअली डजेंट मैटर रियली, बट देन डू इट यार. Do it on the comment section. Write your comments on the comment section, not DM me. Don't DM me guys, DM, message, WhatsApp, Facebook, no. WhatsApp की दुनिया में WhatsApp पे बात करते हैं गाइज. कॉमेंट करके बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है. बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरा ये टास्क, दैट द फर्स्ट पार्ट. बहुत सारे लोगों ने, लोगों का काम है कहना गाइज, कांट हेल्प. Please let me know if you want to watch my videos on weekends or weekdays. Keep supporting guys. See you guys.
see you on my next vlog. Till then, take care, bye bye. Ta-da.